कैसे हैं आप सर? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं बना रही हूँ सरसों का साग एंड मक्के की रोटी। अभी मैं काट रही हूँ लहसुन। लहसुन काटने के बाद जो है मैं प्याज काटूँगी। देखिए मैं बारीक बारीक करता हूँ, इसलिए भी काट लेती हूँ क्योंकि पत्थर है उसको अच्छे से कट जाता है। और ये रहा साग को लग रखा है बाल्टी के ऊपर, प्याज काटनी मुझे अलग काटनी है और लाल साबुत मिर्ची काटनी है, उसका तड़का लगाऊंगी। फिर आप बताना कि कैसी बन गई है, कमेंट करना ठीक है कि मैं ठीक ही बना रही हूँ कि नहीं। ये सब चीज़ें डाल के तो ये मेरा लहसुन हो चुका है। अब मैं एक प्याज ले आती हूँ, प्याज अदरक। अब मैं इसको कट करूँगी और इसको भी मैं इसी तरीके से बारीक बारीक काटूंगी। ये देखें, अभी छीलने के बाद ही कोई चीज़ काटी जाएगी, बिना छीले काटेंगे तो वो बात नहीं आएगी, स्वाद भी नहीं आएगा। फिर तुम्हें हम अदरक ज़्यादा नहीं लेंगे, एक चौथाई अदरक लेंगे हम लगभग। देखिए बीच में ना इसमें छुंचा रही है, तो इसको हम ना इसको निकाल देंगे ऐसे तरीके से, इसको हम ऐसे निकाल देंगे। इसको भी इसी तरह से बारीक काट देंगे, बारीक बारीक से काट देंगे ताकि नमी ना आए और जो है से आसानी से कट रही है, तो ऐसे जल्दी जल्दी आप काट सकते हैं। जल्दी ना काटना है, आराम से काटें क्योंकि हाथ कटने का भी डर जाता है। एक बार हाथ कर दिया तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, सारा काम पानी पर ही कर फिर नहीं हो सकता कुछ। ये ज़रा सी देर नहीं कर लीजिए, ये बाकी गाइस अगर हम ये काटते हैं ना तो हमें सरसों की खुशबू आती है काटते थे, जब आप काटेंगे तो आपको भी आएगी, अभी मैं काटती हूँ तो मुझे आ रही है। तो एवरीवन देखिए मैं ये साग डाल रही हूँ कढ़ाई में, मैंने सब प्याज वगैरह सब डाल दिया, छाका लगा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं किस इसको पानी में अच्छे से निकल देंगे, फिर हम इसे अर्थ में रखें। हीटर यूज़ करते हैं इसको पानी को निकलने के लिए, ऐसे यूज़ करते हैं दोनों ही चीज़ें अच्छे से निकल जाएंगे। इसको देखिए बिल्कुल अच्छे से निचल देंगे ताकि पानी उसमें नहीं बढ़े। मेरे हाथ की पक गई शुद्ध, ये भी नहीं है सर, मैं इसको कच्ची ले कर चलाऊँगी। हालांकि ये कड़छली कहना नहीं चाहिए, कड़छी कहते हैं, पर हमारे मुँह से कड़छली ही निकलता है क्योंकि हमने सुबह से कड़छली ही कहा है। तो अब हम कड़छी कैसे कहते हैं, देखिए कितना प्यारा लिखा है, सुंदर लग रही है ना। मैंने छौंक दिया है, फिर अब इसको अच्छे से फ्राई करना है।
अभी झह जाएगी ना, देखो पानी कितना आगे नीचे अभी झह जाएगी, तो उसके बाद ही करारापन आएगा। अभी तुम्हें चाय की रोटी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन पहले ये बन जाए सुबह जिसने सब कुछ डाल दिया है, बट एक चीज़ ही नहीं डाली। कमेंट करके बताइए आप मैंने इसमें क्या नहीं डाला है अभी, जो सबसे मेन है मैंने वो ही नहीं डाला है अभी, क्योंकि ये कम हो जाएगी ना मैं उसके बाद डालूँगी, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना डालूँ कितना नहीं। तो क्या कोई है जो बता सकता है कि मैंने इसमें क्या डाला? नहीं है अभी, गेस्ट करना और मुझे बताना, ठीक है? तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ वीडियो, अब देखना उसके बाद में कितनी प्यारी लगेगी बनके। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैंने इसको कार पे रख लिया क्योंकि ये ना लग रही है, अब इसको ऐसे ही फ्राई करना पड़ेगा। देखो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप वीडियो में खुशबू नहीं जा सकती वरना आप सुन लेते, बट ये होता है ना कि इसमें नहीं जाती खुशबू। अब देखो सिर्फ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है, नमक भी बिल्कुल ठीक कर लिए एकदम परफेक्ट और अच्छी बनी है। और मैं चावल की रोटी बनाऊंगी और आप सबको खिलाऊंगी अपने हाथों से। अच्छी लग रही है ना देखने में, देखिए मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का तड़का लगाया है, अच्छी है ना। अब मैं रोटी बनाऊंगी तो खुद दिखाऊंगी आपको, ठीक है? इस तरीके से मैं ये चावल का आटा, ये चावल का आटा है इससे मैं मार रही हूँ और मैं इसकी रोटियाँ बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से नीचे बैठ के मैं अच्छे से मारूंगी इसको। पूरा मल लेती हूँ फिर आपको रोटी बनाकर मल लिया है चावल का, चावल काटा है तो अभी चढ़ा दिए इसको, बिल्कुल हम चिमटे से पूरा इधर रख लेंगे पहले मैं रोटी बनाऊँगी वरना रोटी जल जाती है। इसको इस तरीके से तवे को उठाएंगे, एक साइड में रख देंगे, रोटी को मोड़ेंगे ऐसे सेकेंगे धीमे धीमे इशारे से, कभी किनारे सेकेंगे ताकि कच्चे न रह जाए। पीछे से सेकेंगे पहले, अब सामने की तरफ से ऐसे। ये हमारी रोटी बनके तैयार, हम इसको तार पे रख लेंगे, ये नीचे नहीं है इसके नीचे तार है इस पर रखेंगे, क्योंकि गर्म गर्म एक के ऊपर एक रखते हैं ना रोटी बेकार हो जाती है, इसलिए ऐसे रखेंगे। तो सुबह हो गई है, सुबह के पहले 10:30 और मैं पूजा कर आई हूँ मंदिर जाके, और अब मैं चाय पीऊँगी। चाय तो नहीं मैं पीऊँगी, मैं चाय मैंने छोड़ दी है, मैं शाम की चाय लेती हूँ, सुबह में मैं दूध लेती हूँ, तो मैं दूध पीऊँगी और उसके साथ बिस्किट खाऊंगी, बस हल्का फुल्का नाश्ता ही करूँगी क्योंकि फिर भूख नहीं लगती है अभी नाश्ता कर लूँ तो। अब जो मैंने आपको बताया था कि साग और मैंने रोटी बनाई है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखना। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मैंने कैसे बनाया था आप सब देखना, और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग देखती हूँ क्या बनाती हूँ फिर उसका डालूंगी, और या फिर नहीं बनाया तो वैसे भी ब्लॉग तो आपको आते ही रहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है मैं यहाँ पे, मैं क्या आई हूँ, तो उसी के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए फिलहाल मैं रखती हूँ, बाय।
बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ख्याल रखना।